अध्याय के बाद शहर में छत्तीसगढ़ में संक्रमित क्षेत्रों से आ रहे हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे अन्य परिवार हों, किसी के घर में हो, कहीं कोई मैकेनिक हो, सिर्फ मजदूर नहीं है, ये प्रवासी लोग थे जो बाहर रह गए थे और संक्रमण लेके आने की जिनकी प्रबल संभावना थी। तो उनमें से ये अब 41 जो अस्पताल में हैं, प्योर 41 वही हैं जो कि संक्रमित होके आए हैं, तो उनकी देखभाल करनी है। ये 100 आंकड़ा छुआ, 200 ना हो, 300 ना हो, 400 ना हो, 500 ना हो, बस यही रोज रात को सोता हूँ तो यही सोच के सोता हूँ, सुबह उठता हूँ तो कितना हुआ, कैसे इसको कम कर सकें, कैसे संक्रमण ना फैले, व्यवस्था कैसे बना सकें, बहुत कठिन है। गांव में लोग आ रहे हैं, घरों में आ रहे हैं, नहीं मानते, उनका मन नहीं मानता, कई बार कभी मिल रहे हैं, तो ये इन चिंताओं में कह लीजिए या सोच में कह लीजिए, कोशिश पूरा विभाग कर रहा है कि ट्रेसिंग भी करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करें, आए उस समय उनका जांच भी करें, उपचार भी करें, क्वारंटीन में रहेंगे, डेली स्वास्थ्य विभाग का कोई ना कोई व्यक्ति जाए, पंचायत विभाग की तरफ से व्यवस्थाओं को देखें, कलेक्टर से संपर्क हो, खाने का कैसा चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है, मानसिक पीड़ा की भी बातें आ रही हैं, खुदकुशी की भी बातें आ रही हैं, तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी, बहुत बड़ी मानव त्रासदी जिसमें प्रबंधन का एक भागीदार होने का मौका मिला है। तो मैं अपनी तरफ से भी कोशिश ये करता हूँ कि विभाग के काम आ सकूँ, मेरे पास जो जानकारी आती है मैं साझा करता हूँ, अपने तरफ से जो डायरेक्शंस दे सकता हूँ, निर्देश दे सकता हूँ, मैं सहमति लेके सबकी वो भी करता हूँ कि विभाग की भी उनमें सहमति होनी चाहिए, मेरा अगर निर्देश है तो मेरा ना हो, वो कंसिडर्ड डिसीशन हो, वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, अनुभवी अधिकारी रहते हैं, उनसे भी चर्चा करके वो भी कन्विंस्ड हों कि ऐसा हो, बहुत सारे उनके विचार रहते हैं, उनके अनुभव रहते हैं, उनको हम लोग कार्य रूप देते हैं। तो यही डेली हम लोग का, रोज का हम लोग का ये काम है। अच्छा ये लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए काम आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर काम आ जाए, जिम्मेदारी निभा सके, चिंता होती है कि कहीं चूक ना हो जाए, लेकिन जवाबदारी है तो निभाएंगे इसको। सर उत्तर प्रदेश में सर इन माइग्रेंट लेबर्स को सर घर पहुंचाने के ऊपर राजनीति हो रही है सर, एक तरफ प्रियंका गांधी जी ने पहले पत्र लिखा था कि बसेस नहीं हो पा रही, बसेस चलाना चाहिए, तो यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि आप बसेस दे दीजिए, फिर ये कह रहे हैं कि हमने भेज दी तो बोल रहे हैं कि आपने ऑटो और टू व्हीलर भेजी है, फिर अभी कुछ भेजा है तो उसमें सर FIR तक रजिस्टर हो गई है सर उनके पर्सनल सेक्रेटरी और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है अजय कुमार नंदी। बहुत अफसोस की बात है और ये निंदनीय भी है उस हद तक कि जब कोरोना के लिए मिल के काम करना चाहिए तो जो जिम्मेदारी की जिस स्थिति में है उनकी ये क्षमता होनी चाहिए कि वो लेके चल सकें। आज मुख्यमंत्री अगर उत्तर प्रदेश के ऐसे व्यक्ति हैं जो धार्मिक क्रिया से जुड़े रहे हैं, भगवान से जो जुड़े रहे हैं, तो क्या ये भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति की क्रिया दिख रही? आप पहले दिक्कत में हैं या ऐसी परिस्थिति होती है, राजनीतिक पक्ष होते हैं, राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, साथ में काम करना रहता है, पक्ष और विपक्ष रहता है, मत के अंतर रहते हैं, सत्ता पक्ष कभी कुछ कह सकता है, विपक्ष सुधार की दिशा में अपने विचार रखता है, विपक्ष कोई माहौल मुद्दा उठाता है, सत्ता पक्ष कहता है ये ठीक नहीं है, सुन भी सकता है, ये कहना चाहिए कि हाँ ये ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे। ऐसे परिस्थिति में पुलिस का एक्शन लेना तो किसके खिलाफ आप ले रहे हैं? पुलिस एक्शन किसके खिलाफ ले रहे हैं? जो लोगों की मदद करना चाह रहा है उसके लिए आगे आ रहा है, उनके खिलाफ आप क्या दिखाना चाह रहे हैं ऐसी व्यवस्था में? या तो करो। सर प्रियंका जी ने ये भी कहा कि सर अगर उस बसेस पे आपको बीजेपी के झंडे लगाना है झंडे लगा लीजिए, पोस्टर लगवा लीजिए, लेकिन कम से कम जो हम सेवा करना चाहते हैं या लोगों को कुछ बेनिफिट होगा तो वो एटलीस्ट को करने दिया। प्रियंका जी ने जो किया और जो कर रही हैं एक संवेदनशील राजनीतिक नेत्री का रोल अदा कर रही हैं। पहले उन्होंने विपक्ष के होने के नाते एक पक्ष को रखा, यूपी की प्रभारी हैं, यूपी की प्रभारी महामंत्री हैं, उन्होंने पार्टी के तरफ से कोई परिस्थिति बनती है तो उसको उजागर किया कि ये इस तरह से आपको पहल होना चाहिए, ये भूमिका विपक्ष की है, विपक्ष करने की स्थिति में नहीं है, बताने की स्थिति में है कि ये ऐसा है, ऐसा हमारा सोचना है कि होना चाहिए, करना आपके ऊपर है। उसमें अगर फिर आप कहते हैं कि हाँ नहीं आप ही कर दो, सोनिया जी ने कहा कि भाई आप किराया ले रहे हो हम दे देते हैं, वही चीज ये है,
भाई करना आपको है, आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो सुनो तो इसको। और खुद आप अगर ये कह रहे हो भले दिखाने के लिए कि आप भेज दो, अब उनने भेज दिया तब आप एक्शन ले रहे हैं। अपरिपक्व, अपरिपक्व जिद, जिद्दी लोग, एक ऐसी मानसिकता जो केवल अपनी चलाना चाहता है, मैं और सिर्फ मैं, भगवान को तो डरो। जिन भगवान की उपासक आप अपने आप को कहते हो उससे तो डरो, कि ऐसी त्रासदी में कोई अगर करने के लिए आगे आ रहा है तो उनको तो आपको माला पहनानी चाहिए, विचारों की माला पहना दो, फूल की नहीं। आप कहो कि हाँ वेल डन सोनिया, अरे प्रियंका जी आपने चलो ऐसा किया, आपको तो शाबाशी देनी चाहिए थी कि लोगों के लिए आप आगे आके कर रहे हो। कोई लोग खाना खिलाएंगे, कोई दूसरा करेंगे, उन सबको जेल में बंद करेंगे आप, वो खिलाने की जरूरत ही नहीं होगी अगर आप खिला लो। समाज मदद के लिए आगे आ रहा है, क्यों? क्योंकि सरकार हो सकता है कि उतना नहीं कर पा रही है, या लोगों के मन में है तो सरकार के पैसे दूसरे काम में काम आ जाएंगे, तो उसका उपयोग करिए। अगर कोई सामने आके संसाधन जुटा के सहयोग करना चाह रहा है तो आप सहयोग करिए। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्रियंका गांधी जी कह रही है कि झंडे लगा लो भाई, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ये संवेदनशील परिपक्व नेतृत्व है जो लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है, और आप रोक नहीं पाओगे जेल के FIR करके लोगों के बीच में संवेदना रखने वाले व्यक्तियों को रोक नहीं पाओगे आप कभी।